बैठ जाओ आराम से, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। थैंक यू। चाय कॉफी कुछ? नहीं आई एम ओके। अरे ले लो, थोड़ा रिलैक्स रहोगी तो अच्छे से ऑडिशन दे पाओगे। नहीं मैं घर से निकली तब पी के आई थी। अच्छा पानी तो चलेगा ना? थैंक यू। अरे थैंक्स किस बात का, सॉरी आपका नाम नहीं पता मुझे। डॉली। डॉली कितना खूबसूरत नाम। हाँ तो डॉली जी थैंक्स किस बात का, ये तो हमारा काम है। अगर एक्टर्स कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो ठीक से ऑडिशन दे ही नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्टर्स को कंफर्टेबल करने की है। अच्छा लगता है ऐसे जब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ना, एक्टर्स को इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं, हम कितनी केयर करते हैं। करना ही चाहिए। चलो फिर आ जाओ ऑडिशन करें। हाँ। आपके पास कोई स्क्रिप्ट रेडी है या मैं दूं? हाँ मतलब मैंने कुछ तो रेडी किए हैं, बट आपके पास स्क्रिप्ट है तो आप वो दे दो, मैं वही परफॉर्म करती हूं। नहीं नहीं, जो आपके पास प्रिपेयर है उसी को परफॉर्म करो, कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखेगा उसमें। तो असिस्टेंट ने कैमरा पता नहीं कहाँ रख दिया है, पर कोई बात नहीं मोबाइल भी चलेगा। अच्छा कितने टाइम से हो मुंबई में? 6-7 महीने हो गए। कुछ काम मिला अभी तक? एक्चुअली शॉर्टलिस्ट तो मैं कई बार हुई बट फाइनल नहीं हो पाया, किसी और को ही मिल गया। यही खराब बात है इस इंडस्ट्री की। अब आपने जो ऑडिशंस भेजे थे उनको देख के लगा कि आप कितनी टैलेंटेड हो, पर खूबसूरती के तो क्या ही कहते। और फिर भी देखो अभी जो है सो है, कुछ कर नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ डोली जी, इस इंडस्ट्री के तो बस पूछो ही मत। मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ पे जब से आई हूँ, ऑफिस के चक्कर काटते काटते, पर ठीक है अभी। पर अब आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम सही जगह आई आप। मैं देखता हूँ कैसे काम नहीं मिलता आपको। आप इन्हीं कपड़ों में ऑडिशन देंगी या दूसरे ट्राई करने आप? क्योंकि आपको भी पता है जो लोग आगे बैठे हैं उनको चाहिए चमक धमक, कुछ अच्छा सा आउटफिट ट्राई कीजिए। मैं एक ड्रेस तो लेके आई हूँ। ओके बहुत अच्छी बात है, चलिए फिर चेंज कर लीजिए। देखिए ड्रेस का कितना फर्क पड़ता है। क्या है ना कि कुछ ड्रेसेस में बॉडी डिटेल्स निकल के नहीं आ पाते, इसलिए ड्रेसेस भाई पहनो इनमें बॉडी डिटेल्स निकल के आ सके। मुझे भरोसा नहीं हो रहा आपको रोल क्यों नहीं मिला अभी तक, पर सच बताऊं तो आपको ऑडिशन की जरूरत ही नहीं। ए, रुको एक जगह, काम चाहिए तो हम जैसों की काम वासना का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। काटती है, बस थोड़ी देर की बात है और इस थोड़ी देर से जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। अरे कहाँ जा रही है, इसीलिए काम नहीं मिल रहा तुझे? इतना जोर से काटा सारी,